हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कस्तूरी मृग। तो आइए जानते हैं क्या है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, जिसको कि मस्क डियर के नाम से जाना जाता है, ये एशिया विशेषकर हिमालय में मिलने वाले सम उंगली खुरदरा प्राणियों का एक जीव वैज्ञानिक वंश है, जिसमें 7 ज्ञात जातियाँ हैं। इस वंश का नाम वैज्ञानिक नाम मोस्कस है, जो मोस्किडाए नामक जीव वैज्ञानिक कुल का एकमात्र वंश है। कस्तूरी मृग देखने में हिरण जैसे दिखते हैं और लोक मान्यता में इन्हें हिरण ही समझा जाता है, लेकिन असली बात यह है कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ये हिरणों के वंश में नहीं आते हैं। कस्तूरी मृगों में असली हिरणों की भांति सींग नहीं होते हैं और इनमें कस्तूरी ग्रंथि होती है, जो हिरणों में नहीं होती है। कस्तूरी मृगों में मुंह के 2 दांत भी लंबे और मुंह से बाहर उभरे हुए होते हैं। कस्तूरी मृग नामक पशु अंगुलेटा कुल की मास्कस मोस्किफरस नामक प्रजाति का जुगाली करने वाला श्रृंग रहित चौपाया है। प्रायः हिमालय पर्वत के 2400 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर तिब्बत, नेपाल, हिंद, चीन और साइबेरिया, कोरिया, काशू इत्यादि के पहाड़ी स्थलों में ये पाया जाता है। शारीरिक परिमाप की दृष्टि से ये मृग अफ्रीका के डिकडिक नामक मृग की तरह बहुत छोटा होता है। प्रायः इसका शरीर पिछले पुट्ठे तक 500 से 700 मिलीमीटर ऊंचा और नाक से लेकर पिछले पुट्ठों तक 750 से 950 मिलीमीटर लंबा होता है। इसकी पूंछ लगभग बाल विहीन होती है, नाम मात्र को ही लगभग 40 सेंटीमीटर की रहती है। इस जात की मृगियों की पूंछ पर घने बाल पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले चौड़ा दांत नहीं रहता है, केवल चबाने में सहायक दांत होते हैं। इन मृगों के 60 से 75 मिलीमीटर लंबे दोनों सुए दांत, जो कि साइड से निकले हुए रहते हैं, ऊपर से ठुड्डी की तरह बाहर तक निकले रहते हैं। इसके अंगोपांग लंबे और पतले होते हैं। पिछली टांगें अगली टांगों से अधिक लंबी होती हैं। इसके खुरों और नखों की बनावट इतनी छोटी और नुकीली और विशेष ढंग की होती है कि बड़ी फुर्ती से भागते समय भी इसकी चारों टांगें चट्टानों के छोटे छोटे किनारों पर टिक सकती हैं। नीचे से इसके खुर पोले होते हैं, इसी से पहाड़ों पर गिरने वाली रुई जैसे हल्के हिम में भी ये नहीं धंसते और कड़ी से कड़ी बर्फ पर भी नहीं फिसलते हैं। इसकी एक एक कुदान 15 से 20 मीटर तक की लंबी होती है। इसके कान लंबे और गोलाकार होते हैं तथा इनकी श्रवण शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। इसके शरीर का रंग विविध प्रकार से बदलता रहता है। तीव्र श्रवण शक्ति के कारण ये बहुत ही चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं। पेट और कमर के निचले भाग लगभग सफेद ही होते हैं और बाकी शरीर कत्थई या भूरे रंग का होता है। कभी कभी शरीर का ऊपरी सुनहरी झलक लिए ललछौं हल्का पीला या नारंगी रंग का भी पाया जाता है। बहुता इन मृगों की कमर और पीठ पर रंगीन धब्बे रहते हैं। अल्पवयस्कों में धब्बे अधिक पाए जाते हैं। इनके शरीर पर खूब घने बाल रहते हैं। बालों का निचला आधा भाग सफ़ेद होता है। बाल सीधे और कठोर होते हुए भी स्पर्श करने में बहुत मुलायम होते हैं। बालों की लंबाई 76 मिलीमीटर के लगभग होती है। कस्तूरी मृग पहाड़ी जंगलों की चट्टानों के दर्रों और खोहों में रहता है। साधारणतया ये अपने निवास स्थान को कड़े शीतकाल में भी नहीं छोड़ता है। चरने के लिए ये मृग दूर दूर से जाकर भी अंत में अपनी रहने की गुफा में लौट आता है। आराम से लेटने के लिए मिट्टी में एक गड्ढा सा बना लेता है। घास पात, फूल पत्ती और जड़ी बूटियाँ ही इनका मुख्य आहार है। ये ऋतुकाल के अतिरिक्त कभी भी इकट्ठे नहीं पाए जाते हैं और इन्हें एकांत सेवी पशु भी समझना चाहिए। कस्तूरी मृग के आर्थिक महत्व का कारण उसके शरीर पर सटा कस्तूरी का नाफा ही उसके लिए मृत्यु का दूत बन जाता है। कस्तूरी मृग एक छोटे मृग के समान नाटी बनावट का होता है और इनके पिछले पैर आगे के पैरों से अधिक लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कंधे पर 50 से 70 सेंटीमीटर और भार 8 से 18 किलो तक होता है।
कस्तूरी मृग के पैर कठिन भूभाग में चढ़ाई के लिए अनुकूल होते हैं। इनका दंत्र सूत सामान्यतः मृग के समान ही होता है। जो दांतों का बनावट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कस्तूरी मृग प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक हैं। ये 2 से 5 हजार मीटर ऊंचे हिम शिखरों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मॉस्कस क्राइसोगास्ट है। ये हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग अपनी सुंदरता के लिए नहीं अपितु अपनी नाभि में पाए जाने वाली कस्तूरी के लिए अधिक प्रसिद्ध है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, जो इसके उदर के निचले भाग में जननांग के समीप एक ग्रंथि अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन दौड़ते समय 40 से 50 मीटर आगे जाकर ये पीछे मुड़कर देखने की आदत ही इसके लिए काल बन जाती है। कस्तूरी मृग को संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में चोपता के पंच केदारों में से एक तुंगनाथ महादेव के आसपास अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य स्थित है। तुंगनाथ महादेव मंदिर के मार्ग में ही इस अभयारण्य का कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी स्थित है। यहाँ पर कस्तूरी मृगों की संख्या में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाता है और ही साथ ही इनको संरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ कस्तूरी मृग के बारे में। अब एक वीडियो इसी चैनल पे हमने डाला है ब्लैक डियर के बारे में, उसको भी देखिएगा। और अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है बारह सिंघा के बारे में। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।